हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सॉरी, मैं अभी लड्डू खा रही हूँ और दो दिन से मैं आपके लिए इसलिए व्लॉग नहीं लेके आ पाई क्योंकि गाइस मेरे को हो गया था बुखार। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए बहुत रिस्क लेके वीडियो बनाती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो ठंड मेरे जो थी ना वो सर में घुस गई और मेरे को फीवर हो गया, इसलिए मैं आपके सामने ना दो दिन तक व्लॉग ही नहीं ला पाई। और आज इसलिए नहीं जा पाई बाहर क्योंकि आज बारिश हो गया, मानसून का पूरा मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका है और ये पक्का ठंड बढ़ाने वाला है। तो गाइस जितनी भी आज मैं एक्टिविटीज करने वाली हूँ, देखते आज पूरे दिन में मैं क्या करने वाली हूँ। तो लड्डू खा रही हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं भारत का मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका है और ये पक्का ठंड बढ़ाने वाला है और कोहरा भी होगा। तो गाइस मैंने लड्डू ख़त्म कर दिया, खोया और तिल वाला था, सच्ची मज़ा आ गया। पूरा दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था बट लेकिन अब इसने मुंह का जो टेस्ट है वो बदल दिया। तो आज मैं सोच रही हूँ जैसे कि बारिश हो रही है, पकोड़े या फिर पराठे बनाए जाए उसके साथ बटर वगैरह, तो देखते हैं हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस मैं सोच रही हूँ आज मैं बना लेती हूँ प्याज के पराठे। तो किचन में मैं आ गई हूँ। तो ये मुझे आटा गूंदना तो नहीं आता, पर देखते हैं आप कैसे गूंदने वाली हो आटा। इंसान का मन करता है ना कि वो खुद बनाए और खुद खाए। ओह शिट गाइस, मैं नाक में चला गया आटा पूरा। गाइस ये मेरा आटा गूंद रहा है। देखो मुझे वैसे आता नहीं है पर मम्मी को तो ऐसे ही करते देखा है मैंने, वो ऐसे ही गूंदती हैं। तो फाइनली थोड़ा सा तो गूंद गया है बट लेकिन ये थोड़ा अभी और बचा है, ये इसके अंदर ना चिपक नहीं रहा पता नहीं क्यों। कोशिश तो कर रही हूँ तो जल्दी हार करूँगी। सबसे ज़्यादा टफ लगता है मुझे ये आटा। तो गाइस फाइनली मेरा आटा गूंद गया है और अब मैं जैसा कि बनाने वाली हूँ प्याज के पराठे, तो मैं प्याज काटने वाली हूँ। और ये देखिए इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, जैसा भी गुथा है मेहनत तो लगी है यार। तो देखते हैं पराठे कैसे बनते हैं। तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ यहाँ पे। आँख में बहुत लग रही है, बहुत चढ़ रही है, आँख में लग रही है बहुत चढ़ रही है। देख सकते हैं मेरी आंख में आंसू आ गए हैं। अरे बाबा बहुत ज्यादा आ गए। अभी गूंद गया है और प्याज भी कट चुकी है अच्छे से और मैंने सब रेडी कर दिया है। प्याज काट के हालत भी ख़राब हो गई जैसे कि आप मेरी आंखें देख रहे हैं। तो अब करते बनाने की तैयारी। गाइस पराठा मैंने बेल लिया है और तवा भी गरम हो गया है, मैं सेक रही हूँ। ये ऑयल लगा दिया मैंने इसमें। तो
गाइस मेरे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं और अब मैं खा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय।